अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं खुदा से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। चलें जी, हमारे किचन में आज बनने जा रहा है स्मॉल कोफ्ता बिरयानी। चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें कीमा चाहिए आधा किलो, धनिया पुदीना, प्याज हमें चाहिए 2 अदद जो हम कोफ्ते में डालेंगे। अब हम कोफ्तों के मसाले की तरफ आ जाते हैं। पिसा हुआ धनिया मेरे पास 1/2 टीस्पून है, पिसी हुई मिर्ची मेरे पास 1 टेबल स्पून है, हल्दी मेरे पास 1/2 टीस्पून है, लहसुन अदरक का पाउडर डालती हूँ मैं इसमें। मैं डालूँगी इसमें 1/2 टीस्पून नमक हसबे ज़रूरत। सबसे पहले हम कीमे को जो है वो और बारीक कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। हम इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे, एक और अंडा डाल देंगे और हम इसको ब्रेंड कर लेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। लोग भून के डालते हैं, मैं इसी तरह से डालती हूँ। आप इसमें मकई का आटा भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसमें धनिया वगैरह डाल के हल्का हल्का सा, बच्चे नहीं खाते तो मत डालें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं डालती हूँ। मैं अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लूँगी और फिर मैं इसके बॉल बना के फ्रिज में रख दूँगी। फिर हम मसाला उसका तैयार करेंगे, बिरयानी का मसाला तैयार करेंगे। देखिए मेरे छोटे से बॉल्स तैयार हैं और मैंने एक छोटा सा बॉल इसमें डाल के देखा कि ये टूट तो नहीं रहा, फट तो नहीं रहा। अब देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले कोफ्तों को जो है हल्का सा धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। इस तेज देखिए हम इसको डालेंगे और जब ये नीचे से जो हमने फर्स्ट वाला डाला था, जब ये नीचे से हो जाएगा तो हम इस तरह से इसको टर्न कर लेंगे। जितनी हम स्पेस दे के आप कोफ्तों को तेल में डालेंगे उतना ही ये फटेंगे नहीं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं बिरयानी की प्याज जो है इस तरह से स्लाइस हुई हुई इनको फ्राई करूंगी। उसके बाद जो है मैं टमाटर डालूंगी काट के, काट लें आप अंडे वाले भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तेल गरम है, मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। जब तक ये प्याज हमारी फ्राई होती है हम टमाटर को कट कर लेते हैं और अपने चावल भिगो देते हैं। मेरे पास चावल जो है वो 1 किलो से 1.5 किलो के करीब हैं। ये मैं आपको 1.5 किलो की रेसिपी बता रही हूँ। इसमें मैंने प्याज डाली है 8 से 9 अदद, छोटी थी, बड़ी हैं तो आप 4-5 भी डाल सकते हैं। ये प्याज जो है वो मेरी कच्ची पक्की हो गई है, इसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर डाल दूँगी और हरी मिर्चें। ढक के थोड़ी देर में इसको नरम करूंगी टमाटर को, प्याज को, फिर मैं उसके बाद इसमें मसाला और दही डालूंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये मसाला भून लिया। ये मैंने, आप किसी भी ब्रांड का मसाला ले लें, और मैं बिरयानी का मसाला वैसे भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मेरे पास 1/2 किलो दही है और मैं दही को फेंटती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही डालती हूँ। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे और ढक कर इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि कोफ्तों में बिरयानी का जो है ना वो जायका आ जाए। मैं इसके अंदर ये बिरयानी की तह लगा रही हूँ। पहले मैंने नीचे थोड़े से चावल बिछाए हैं, अब इस तरह से करके मुकम्मल हो चुकी है। मैंने जो दही बचाई थी उसके अंदर हल्दी का रंग डाल के इस तरह से
अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे, कच्चा तेल। इसको हम दम पे लगा देंगे। मज़ेदार सी कोफ्ता बिरयानी तैयार है। स्मॉल कोफ्ता बिरयानी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें। कल मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।